अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ में आज हमारा जो चैप्टर है वो है सैंपलिंग एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट सैंपलिंग इज़। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इट्स पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो सीरीज़। इसमें हम कोशिश करेंगे, तकरीबन कोई 7-8 वीडियोस होंगी जिसमें हम कंप्लीट डिस्कशन होगी सारा सैंपलिंग के मुतालिक, कि सैंपलिंग की टेक्निक्स क्या हैं, सैंपलिंग की प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, एंड देन वी मूव टूवर्ड्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कब और कहाँ सैम्पलिंग यूज़ करनी है, कब कहाँ जो है सॉरी प्रोबेबिलिटी यूज़ करनी है और कहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करनी है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी टाइप्स क्या हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग वगैरह, और फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स एक्सप्लेन होंगी। और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि सैम्पलिंग एरर क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि जी ये क्यों की जाती है सैम्पलिंग वगैरह। सो ये कोई तकरीबन कोई हमारी 7-8 वीडियोस होंगी इंशाल्लाह। तो मैंने आपको कहा चाहा कि आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है जी। सो कॉपी पेंसिल एज यूजुअल आपके पास होगी, और ये इस पेंसिल और कॉपी का मकसद ये होता है कि जो एक चीज़ स्लाइड में एक्सप्लेन नहीं हुई हुई और वो मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है जी। सो यूट्यूब लिंक, फेसबुक लिंक आपको दोनों नज़र आ रहे हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक देख सकते हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज हम शुरू करेंगे वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट से कि ये होती क्या है बेसिकली। तो उससे पहले हम चाहते हैं कि कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनसे हम वाकिफ़ हो जाएं, जैसे पॉपुलेशन है, सैंपल है, एलिमेंट है, पैरामेट्रिक, स्टेटिस्टिक, ये क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है जी? इट्स कलेक्शन ऑफ एलिमेंट अबाउट विच वी विश टू मेक एन इन्फ्रेंस, यानी वो एरिया, लोग, वो चीज़ें या वो ऑब्जेक्ट्स जिन पे हमने स्टडी करनी है, वो सारे जो हैं उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। इसको सादा लफ्ज़ों में यूनिवर्स ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम स्टडी करके जो इन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, यानी कोई मफरूज़ा, कुछ हाइपोथेसिस, कुछ अखस करना चाह रहे हैं, तो उस सारे एरिए को या सारे लोगों को या सारी चीज़ों को हम पॉपुलेशन कहते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट फ्रॉम विच द रिसर्चर सैंपल्स एंड टू विच शी और ही माइट लाइक टू जनरलाइज, राइट। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स की जो है वो मार्क्स मालूम करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं तो ये सारे जो कॉलेज के स्टूडेंट हो जाएंगे ये आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब अक्सर क्या होता है कि हम सारा पॉपुलेशन जो है वो उसको स्टडी नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं सैंपल ले लेते हैं। सैंपल को सादा लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, कुछ सेलेक्टेड जो है वो आइटम्स हम ले लेते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स ड्रॉन फ्रॉम ए सैंपलिंग फ्रेम, ठीक है जी। तो वो जो पॉपुलेशन में से हमने कुछ लोग ले लिए, कुछ यूनिट्स ले लिए, उन कुछ यूनिट्स को सैंपलिंग कहते हैं। इसकी बड़ी अच्छी शानदार मिसाल ये दी जाती है कि जब देगी जो है वो देग पका लेता है, तो वो सारी देग के जो उसमें नमक, मिर्च और मसाला, या अगर चावल हैं या गोश्त है, तो उसको चेक करने के लिए कि ये गला हुआ है, नमक मिर्च ठीक है कि नहीं है, तो सारी देग को नहीं चखता, वो उसमें से थोड़ा सा निकाल लेता है, चुटकी भर सालन निकाल लेता है, चुटकी भर चावल निकाल लेता है, और उसको वो चेक करता है, तो उसको पता लग जाता है कि जी देग पूरी बनी है कि नहीं है। तो ये जो चुटकी पर उसने निकाल लिया, इसको सैंपल कहते हैं। इसी तरह जैसे मैंने कहा, कॉलेज में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, तो कॉलेज को में से आपने 40-50 लोग ले लिए, कॉलेज की स्ट्रेंथ तो 1000 स्टूडेंट थी, तो आपने उसमें से 40-50 स्टूडेंट्स रेंडमली सेलेक्ट करके या जैसे भी सेलेक्ट करके तो वो ले लिए, तो वो उन पर स्टडी करनी है, तो वो जो 40 या 50 स्टूडेंट ले लिए उसको हम सैंपल कहते हैं। सो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल केसेस ड्रॉन फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है जी। अब पैरामीटर क्या होता है, जब हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो उसका एक जो कैरेक्टरिस्टिक जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं, उसको पैरामीटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमने कहा कि हम एवरेज मार्क्स मालूम करना चाहते हैं, तो ये जो एवरेज मार्क्स आएंगे पॉपुलेशन को स्टडी करने से, उसको पैरामीटर कहते हैं। और बिल्कुल इसी तरह अगर हमने सैंपल ले लिया और उसको स्टडी किया, तो और उसमें से हमने कहा जी 40 या 50 स्टूडेंट जो हमने लिए थे, हम उनकी एवरेज मार्क्स मालूम करना चाहते हैं, तो वो जो एवरेज निकल कर आएगा उस एवरेज को हम स्टेटिस्टिक कहेंगे, ठीक है। जैसे हम स्टेटिस्टिक में लिखते हैं जी पैरामीटर में म्यू, ठीक है। तो वो म्यू जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और एक्स बार, ये दोनों मीन ही को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स बार जो है ये स्टेटिस्टिक कहलाता है, क्योंकि ये सैंपल के मीन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने एलिमेंट का वर्ड यूज़ किया था। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो बंदा, वो चीज़ या वो
अशिया होती है, वो ऑब्जेक्ट होता है जिस पे स्टडी की जा रही है। जैसे मैंने कहा कॉलेज के स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट हमारा एलिमेंट हो जाएंगे। अगर हम कहते हैं जी पंखों की एवरेज लाइफ, तो ये फ़ैन हमारे एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं जानवरों पे कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो जानवर जितने जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो हमारा एलिमेंट हो जाएंगे। यानी जिस चीज़ पे स्टडी की जा रही है उसको एलिमेंट कहते हैं। इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑन विच मेयरमेंट इज़ टेकन, ठीक है ना, जिसको मेयर किया जा रहा है। अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट द रिसर्चर वॉन्ट्स टू लुक एट, तो वो हमारा एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है जी? ये अच्छा, ये इसको बड़ा ज़रूरी समझ लें। सैम्पलिंग फ्रेम को बाज़ लोग पॉपुलेशन फ्रेम समझते हैं, बल्कि तो वो गलती करते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम ये होता है कि जब हम पॉपुलेशन को में से से हमने सैम्पल लेना है, तो हम उस पॉपुलेशन की पहले एक अथेंटिकेटेड लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट को बेसिकली पॉपुलेशन कहते हैं। अब मैं इसकी छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जैसे हमने कहा कॉलेज के स्टूडेंट को हमने स्टडी करना है, और ये हमें पता लगा जी तकरीबन 1,000 स्टूडेंट है। अभी जो तकरीबन 1,000 है, इसमें शायद कुछ डिफ़ॉल्टर्स होंगे, कुछ आ ही नहीं रहे होंगे, कुछ चले गए होंगे और उसका रिकॉर्ड अभी तक होगा। तो ये क्या कहते हैं, एक ऑथेंटिकेटेड रजिस्टर्ड स्टूडेंट की लिस्ट निकालते हैं। पता लगा जी वो तो 950 स्टूडेंट बनते हैं। अब जो इनरोल्ड हैं, जो रेगुलर हैं, जो पंक्चुअल हैं, जो आ भी रहे हैं, और जो अभी तक इनके पास इनरोल्ड हैं, ऑथेंटिकेटेड लिस्ट है कॉलेज की तरफ से इशू है कि ये हमारा स्टूडेंट है। तो उस 950 लोगों की लिस्ट को सैम्पलिंग फ्रेम कहेंगे। तो इट्स अ लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट फ्रॉम विच वन हैज़ टू सेलेक्ट द सैम्पल, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट फ्रॉम विच द सैम्पल इज एक्चुअली सेलेक्टेड। तो पॉपुलेशन बाज़ औक़ात में जो होती है वो जो जिसको हम पॉपुलेशन लिए हुए, वो उसमें जो है वो हम उसकी जब ऑथेंटिकेटेड लिस्ट निकालते हैं तो उसको सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं, क्योंकि उसमें एन मुमकिन है कि कुछ लोग को हम पॉपुलेशन समझ रहे हों और वो पॉपुलेशन का हिस्सा हो ही ना। जैसे मैंने कहा कुछ हम जो कह रहे हैं जी कॉलेज के स्टूडेंट तो 1,000 हैं, लेकिन शायद 20 बीच में चले ही गए हैं, लेकिन वो अभी भी कॉलेज के स्टूडेंट समझे जा रहे हैं, लेकिन चूँकि ऑथेंटिकेटेड लिस्ट पर नहीं है तो उसको हम नहीं लेंगे। इसकी एग्जांपल आप उस पर भी ले सकते हैं, जैसे वो सिम है, सिम कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के पास सिम है, लेकिन जो ऑथेंटिक है, अगर आपने उस पर स्टडी करनी होगी कि यू फोन के लेट सपोज यूज़र कितने हैं, तो जो ऑथेंटिकेटेड लिस्ट यू फोन आपको देगा वही जो है सैम्पलिंग फ्रेम होगा। तो देखें जी पॉपुलेशन है, ये बड़ी है, ये इसको यूनिवर्स ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इसी में से सैम्पल लिया, चंद लिए हुए, देखें इसमें रिप्रेजेंटेशन रेड ब्लू येलो वगैरह की हो रही है। इसको जब स्टडी करते हैं, जो रिज़ल्ट हम निकलेगा उसको पैरामीटर कहते हैं। इसको जब स्टडी करके उसी यूनिट उसी तरह का रिज़ल्ट निकालेंगे तो उसको हम स्टेटिस्टिक कहेंगे। इसका मीन म्यू हो जाएगा, वो पैरामीटर कहलाएगा। इसका मीन जो है उस एक्स बार होगा, उसको हम स्टेटिस्टिक कहते हैं। सो पॉपुलेशन हैव पैरामीटर्स, सैम्पल हैव स्टेटिस्टिक। और ये जो सारा कुछ हमने डिस्कस किया, इस सारे प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। क्या है? इट्स ए प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल केसेस फ्रॉम द लार्जर पॉपुलेशन। तो जो मैंने कहा ना कि कॉलेज के स्टूडेंट से हम कुछ लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, वो जो कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं इस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। और जो सेलेक्ट होकर आ जाते हैं 40 स्टूडेंट, वो सैम्पल कहलाते हैं। उस सैम्पल को जब स्टडी करते हैं, उनकी एवरेज मार्क्स को स्टडी किया, तो वो जो एक्स बार निकला उसको स्टेटिस्टिक कहते हैं। आप समझ आ गई है बात की? सो अ वे टू लर्न अबाउट, जब हम पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं चंद लोग ले लेते हैं। तो चंद लोगों की जो सिलेक्शन हो गई और उस और उसको जो ले लिया हमने, उसको हम पॉपुलेशन सैम्पलिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। प्रेजिडेंशियल पोल आर बेस्ड ऑन एक्स इलेक्शन से पहले वो कहते हैं जी हमने ये इलेक्शन सर्वे किया और ये पता लगा जी पीटीआई को इतने वोट मिलेंगे और नून को इतने मिलेंगे और फलां पार्टी को इतने मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो चंद लोगों को बस उनसे पूछ लेते हैं, पूरे 22 करोड़ से तो नहीं पूछ सकते, तो वो इस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। क्यों करते हैं जी? रीजंस क्या हैं सैम्पलिंग की? यूँ कह लें एडवांटेजेस क्या हैं? इट्स सेव द मनी। अब 22 करोड़ लोगों से पूछने से बेहतर है कि आप जो है वो 5-10 हज़ार, 20-40-50 हज़ार लोगों से पूछ लें, तो सेव मनी एंड ऑब्वियसली इट्स सेव द टाइम एज वेल, ठीक है। फॉर ए गिवन रिसोर्सेज सैम्पल कैन बी ब्रॉडन टू द स्कोप ऑफ स्टडी। फिर उस सैम्पल की बेस पे हम उसको जनरलाइज भी कर देते हैं कि अगर 50 लोग ये कह रहे हैं, 100 लोग ये कह रहे हैं, तो उसका मतलब है बाकी लोगों की भी राय ऐसी ही होगी। बिकॉज रिसर्च प्रोसेस समटाइम्स डिस्ट्रक्टिव, द सैम्पल कैन बी सेव द प्रोडक्ट। बाज़ औक़ात ये मार्केटिंग वगैरह में, प्रोडक्शन में, हम एक दो सैम्पल लेके टेस्ट कर लेते हैं, तो वो बाज़ औक़ात वो उसमें वो डिफ़ॉल्ट होता है, वो सॉरी डिफेक्ट होता है, तो वो इससे बेहतर है कि वो फिर कम नुकसान हो, वरना पूरी सारा बना लेंगे तो वो
नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा देगी थोड़े से चावल निकाल के चेक कर लेता है, तो अगर पता है कि अभी नहीं गला नहीं कुछ हुआ तो फिर दोबारा उसको पकाता है, नमक मिर्च दोबारा ठीक कर लेता है, तो थोड़ा नुकसान होता है, ठीक है ना। वो छोटा सा जो निवाला निकाला उसने बस वही नुकसान हुआ। इसी तरह प्रोडक्शन में हम एक दो यूनिट या चंद यूनिट निकाल के चेक कर लेते हैं तो पता लग जाता है, ताकि हम प्रोडक्शन को मज़ीद आगे ना बढ़ाएं। इफ़ एक्सेसिंग द पॉपुलेशन इज़ इम्पॉसिबल, तो फिर जब बाज़ अवकात पॉपुलेशन पर जाना भी, सारी पॉपुलेशन को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, वो नामुमकिन होता है, तो हम फिर क्या कहते हैं, हम उसकी जगह सैंपल कर लेते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ इसके रीजंस भी कह लेंगे व्हाई वी आर गोइंग फॉर सैंपलिंग। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। सो हियर यू कैन सी माय कॉन्टैक्ट नंबर, माय ईमेल एड्रेस, यू कैन कॉन्टैक्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।